दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे दल भरी पूड़ी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमने दाल को रात भर पानी में भिगो रखा था और इसे अच्छे से धुल लिया है हमने। ये देखिए, हमारी दाल एकदम अच्छे से फूल चुकी है। हमारी पूड़ी बनाने के लिए हम दाल को पका लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए तेल, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी, नमक। तो चलिए उसे तड़का देते हैं। ये हमने कुकर रखा है, इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने दीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। हरी मिर्च से भून लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी दाल। अच्छे से चला लीजिए। पूरा दाल डाल देंगे। अच्छे से चला लीजिए। हल्दी डाल देंगे। मिला लीजिए इसे। पानी डाल, थोड़ा नमक डाल देंगे। पानी डाल देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से पक जाए। चलिए अब इसे बंद कर देंगे। इसे 2-3 सीटियां आने तक होने दीजिए। इसे ढक दीजिए। हम तब तक हमारा आटा रेडी करते हैं। डो, ये हमने आटा ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, ऑयल, मोयम देंगे इसे। अब इसे गूंथ लीजिए। इससे हमारी पूरी सॉफ्ट बनेगी। अच्छे से लगा लीजिए आटा। देखिए, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ये हमारा आटा लग चुका है पूरी के लिए। अब इसे, ये देखिए, अब इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम हमारी दाल देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, चलिए अब इसे पीस लेते हैं। ये देखिए, हमारी दाल पीस चुकी है। तो चलिए अब हम पूरी बनाते हैं। हमने एक पैन ले लिया है। तरीके से गोला बना लीजिए। अब हम इसमें ये दाल भरेंगे।
ये देखिए इस तरीके से भरिए, उसे अंदर की तरफ दबाइए, ज्यादा दाल मत भरिए, इस तरीके से इसे बंद कर देंगे। अब इसे हम बेल लेंगे, आराम से बेलिए, पूरी फटे ना। ये देखिए कितना अच्छे से बेल गया है। तब तक हम दूसरा डो रेडी करते हैं। देखिए इस तरीके से अंदर से इसे फैलाइए और उसमें दाल भरिए। अंदर की तरफ दबाइए और इसे बंद कर दीजिए। इसे पलट लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम राई का तेल लगाएंगे, अच्छा टेस्ट आता है इससे। ये देखिए दोनों साइड लगा लीजिए अच्छे से। ये देखिए ये फूल रही है कितना अच्छे तरीके से। पलट लीजिए, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अच्छे से पकने दीजिए। आराम से बेल लेंगे हम। ये देखिए हमारा पूरी फटी नहीं हमारी, ये देखिए हमारा हमारी पूरी रेडी है अच्छे से। दूसरा भी रख देंगे हम। ये देखिए अच्छे से पक चुका है ये। ये देखिए इसे भी अच्छे से तेल लगा लेंगे। देखिए फूल रही है ये। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। कितने अच्छे तरीके से फूल गई है रोटी, बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखिए
हमारी पूरी रेडी है, ये देखिए। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, आप इसे भाजी के साथ भी खा सकते हैं और खीर के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। ये रही खीर हमारी। अगर आपको हमारी खीर की रेसिपी देखनी है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये देखिए दाल कितना अच्छे से पक चुका है अंदर से। कितनी अच्छी कलर आया है पूरी को, देखिए कितना सॉफ्ट है ये, एकदम दाल से भरी हुई है। बताएं आपको ये दल भरी पूरी कैसी लगी, एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।